तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में थे। उन्होंने बेलगावी की सभा में ये कहा कि खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देखकर बहुत दुखी हुआ जब कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में खड़गे का अपमान हुआ। सब धूप में खड़े थे लेकिन छाता खड़गे जी को नहीं, किसी और को लगा दिया गया। खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष है लेकिन कांग्रेस में उनके साथ जैसा बर्ताव होता ही नहीं, उसे देखकर पूरी दुनिया समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी शिकंजे में देश की कई पार्टियां जकड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्विटर पर पूछा कि आपके बेस्ट फ्रेंड किसकी छत्र छाया में देश का सब कुछ लूट लिया है, हमें बताएं कि अडानी पर संयुक्त संसदीय समिति की जांच कब होगी। तो ये ट्वीट आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का, किसकी छतरी की छत्र छाया में, हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी हैं जिसने कंपनी राज को हराया, देश को स्वतंत्र बनाया, ये बताइए अडानी पर जेपीसी कब। तो किसकी छतरी की छत छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक कब सब कुछ लूट लिया है, हम तो तिरंगे की छाव में खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये ट्वीट किया है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा तंज कसा, उसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है, लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है।